मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की 13वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। इस शो के जरिए अमिताभ बच्चन अपने फैंस को भरपूर एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं। बीते कई सालों से वह इस शो से जुड़े हुए हैं। इस शो को होस्ट कर रहे हैं बीते कई सालों से। वहीं इन दिनों अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा खुश है। वजह है कि कौन बनेगा करोड़पति के 1000 एपिसोड पूरे होने को जा रहे हैं। 1000वें एपिसोड में अमिताभ बच्चन स्वागत करते हुए नजर आएंगे अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा और नाते नव्या नवेली नंदा का। ऐसे में देखा जाए तो अब केबीसी 13 के मन से एक बड़ी खबर आ चुकी है। विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है इस शो के एक एपिसोड को लेकर। दरअसल हाल ही में एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया और इस प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि अमिताभ बच्चन ब्लाइंड फोल्ड किए गई एक लड़की के सामने खड़े हुए हैं। ये लड़की क्लेम करती है कि वो किताब को महज स्मेल कर ही उसे पढ़ लेगी। इस प्रोमो को देखने के बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र नायक ने चैनल को एड्रेस करते हुए ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर में उन्होंने लिखा है कि किस तरह मिड ब्रेन एक्टिवेशन का इस्तेमाल पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। ऐसी चीजों को नेशनल टेलीविजन पर इनकरेज करने से पूरे देश का मजाक भी बन सकता है। वहीं ओपन लेटर के वायरल होने के बाद चैनल ने इस स्पेसिफिक हिस्से को अपने एपिसोड से हटा दिया है। बता दें आपको, ओपन लेटर में लिखा गया है कि किस तरह इस एपिसोड में एक यंग लड़की किताब को महज स्मेल कर पढ़ना महज स्कैम है। रिपीट, किताब को सूंघकर पढ़ना महज स्कैम है, जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई वैज्ञानिक इसे अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस बता चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अब वैज्ञानिक प्रैक्टिस को यूं टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने से कई पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी और साथ ही देश में ऐसे फ्रॉड लोग जो इस प्रैक्टिस से बच्चों की ब्रेन पावर को बढ़ाने का दावा करते हैं, उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इस तरह के दावों को पब्लिसिटी देना कई बार हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर शर्मिंदा कर सकता है। जहां एक तरफ नरेंद्र नायक ने आपत्ति जाहिर की इस प्रोमो वीडियो को देखने के बाद, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चैनल ने तुरंत ही एक्शन लिया है और इस स्पेशल एपिसोड के कुछ सीन्स भी डिलीट कर दिए हैं, जिससे कि पूरे शो को एडिट करना पड़ा है और साथ ही अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी भी किया है। चैनल ने सफाई दी है कि आगे से लोगों के सेंटीमेंट का ध्यान भी रखा जाएगा। ऐसा कोई कंटेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा जिससे कि व्यूअर्स मिस इन्फॉर्म हो, और साथ ही इस तरह की चीजों को प्लेटफॉर्म पर लाने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल भी की जाएगी। इस तरह से चैनल ने इस एपिसोड को लेकर भी अपने दिल की बात भी शेयर कर दी है और सफाई दे दी है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 News.